नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज। गुलाम नबी आजाद आए दिन कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने राहुल गांधी को लेकर ऐसा खुलासा किया है जिसके बारे में सुनकर कांग्रेस पार्टी शायद यही सोचेगी कि काश गुलाम नबी आजाद को रोक लिया होता तो हमारा भांटा न फूटता। दरअसल पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि राहुल गांधी विदेश में अनवांटेड बिजनेसमैन से मिलते हैं। गुलाम नबी आजाद के इस इंटरव्यू के बाद भाजपा ने कांग्रेस और राहुल गांधी को घेर लिया है। भाजपा ने क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं, लेकिन पहले गुलाम नबी आजाद ने खुलासा करते हुए क्या कुछ कहा ये आपको बताते हैं। राहुल गांधी ने हाल ही में एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने दावा किया कि पांच पूर्व कांग्रेस नेता अडानी मामले से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी के औजार बन गए हैं। राहुल गांधी ने इन पूर्व कांग्रेस नेताओं में गुलाम नबी आजाद का नाम लिया है। इस पर एक इंटरव्यू में गुलाम नबी आजाद से राहुल गांधी के दावे पर उनकी प्रतिक्रिया पूछी गई तो गुलाम नबी आजाद ने कहा, मेरे मन में गांधी परिवार के लिए बहुत इज्जत है, इसलिए मैं उनके परिवार के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहता, वरना मैं ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जहां वह विदेश जाकर अवांछित उद्योगपतियों से मिलते हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने जिन पूर्व कांग्रेस नेताओं पर अडानी मुद्दे से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया था उनमें गुलाम नबी आजाद के साथ सिंधिया, किरण रेड्डी, हिमंता बिस्वा सरमा और अनिल एंटनी का नाम शामिल है। राहुल गांधी के इस दावे पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने की धमकी भी दी है। आपको बताते हैं कि आखिर भाजपा ने गुलाम नबी आजाद के बयान पर राहुल गांधी पर क्या हमला बोला है। भाजपा ने ट्वीट कर कहा कि राहुल गांधी को बताना चाहिए कि वह विदेश में किस अवांछित बिजनेसमैन से मिलते हैं। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।